जैसे यहाँ पर हमें जो है गोल्ड के फ्यूचर्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, सिल्वर के अंदर भी जो है काफी तगड़ी जो है यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम जो है होते हुए देखने को यहाँ पर मिल रहा है। डेली बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस मोमेंटम का यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, उस प्राइस लेवल का जो है यहाँ पर ब्रेकआउट भी जो है काफी अच्छी तरीके से जो है होते हुए देखने मिला है। और होप करते कि अगर इस प्राइस बैंड के ऊपर अगर यहाँ पर क्लोजिंग दी जाता है देन यहाँ पर जो एक अच्छी खासी जो लॉन्ग पोजीशन है जो सस्टेनेबिलिटी रहेगी अपसाइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर हमें तगड़ी होते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, सेशन भी जो है एंड होने को टाइम है, सो यहाँ पर हम जो है वेट जरूर करना चाहिए कि यहाँ पर हमें किस तरह से जो है मोमेंटम देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जो मैंने आपको कल प्राइस बताया 71,400 का, वो यहाँ पर ब्रेक होते ही जो है तगड़ी यहाँ पर हमें जो है मोटा मोटी 400 से ज़्यादा पॉइंट तक का जो यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप मोमेंटम देख लीजिए 50 पॉइंट तक का जो एक मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं अभी न्यू पोजीशन की बात करूँ तो न्यू पोजीशन के लिए नहीं, बट यहाँ पर जिसने ट्रेड बनाया है उनके लिए यहाँ पर जो है होल्ड जो है पोजीशन यहाँ पर आप कर सकते हो। डेफिनेटली मोमेंटम 15 मिनट के हिसाब से भी अगर यहाँ पर आपको कोई प्राइस लेवल दिखे जहाँ पर आपको एग्जिट करना है रिस्क कैपिटल के हिसाब से वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो, बट फॉर अ टाइम बिंग न्यू पोजीशन नहीं, बट यहाँ पर फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर हम जो है शॉर्ट पोजीशन के लिए फॉर अ टाइम बिंग 71,400 के प्राइस लेवल के नीचे अगर यहाँ पर जो है कैंडल जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर जो हम शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।